हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फुल वेव रेक्टिफायर बनाना देखेंगे। सो लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ेगा, वी नीड अ टू ट्रांसफार्मर एंड अ पावर सोर्स। सो लेट मी कनेक्ट दिस, लेट मी डिलीट दिस पर्टिकुलर ऑल द कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब भी हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो लेट मी कनेक्ट दिस नेगेटिव पार्ट विद दिस पर्टिकुलर वैल्यू, है ना। और क्या होगा कि जो है लेट मी टेक दिस एज अ हियर, और ये वाला ट्रांसफार्मर को मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या होगा इसके पॉजिटिव पार्ट से, जिसको हम लोग जंक्शन ए कर दिए हैं। तो ये जंक्शन ए से जो है ना आपका कनेक्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव पार्ट है दैट नेगेटिव पार्ट विल कनेक्टेड विद दिस। है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों का ये दोनों वायर हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे इसको हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। सो लेट मी टेक अ ग्राउंड हियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगा। सो दिस वॉज कनेक्टेड विद द ग्राउंड। ओके, अब हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, हम लोगों ने एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर बना लिया। अब सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के बाद हम लोगों को यहाँ पे दो डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट मी पुट वन डायोड हियर, द अनदर डायोड हियर, एंड व्हाट वी नीड अ वन रजिस्टर। तो उस रजिस्टर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ना अपना लोड लेंगे। तो लोड हमको जो है ना लेने के लिए एक रजिस्टर की ज़रूरत है। तो लेट मी कनेक्ट दिस डायोड विथ दिस ट्रांसफार्मर, और इसका जो दूसरा एंड है लेट मी कनेक्ट विद दिस पर्टिकुलर रजिस्टर। ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया इस रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। रजिस्टर का दूसरा एंड किससे, ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया। तो इस तरीके से जो है ना हमारा क्या हो गया कि ये जो है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बन के तैयार हो गया। लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ दिस ट्रांसफार्मर, इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट मी पुट दिस वैल्यू एज अ 500 टर्न हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया हेनरी एंड 1 हेनरी, एंड लेट मी पुट दिस आल्सो एज अ 500 एंड 100 हेनरी। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। सो लेट मी टेक द आउटपुट डिवाइस। तो जो हमारा आउटपुट है ये मेरा क्या हो गया ऑक्सीलोस्कोप। तो इस ऑक्सीलोस्कोप को जो है अगर मेरे को कनेक्ट करना होगा तो लेट मी टेक दिस ऑक्सीलोस्कोप लिटिल बिट हियर। यहाँ से जो प्लस वाला है मैं इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। ओके, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको क्या किया मैंने जो है ना नीचे वाले के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या हो गया आपके इस रजिस्टर से कनेक्ट हो गया J5 जंक्शन से, और ये जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो क्या हो गया आपके जो है ना ए से कनेक्टेड हो गया, जो कि हमारा ग्राउंड है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा का पूरा कनेक्शन हो गया है। सो लेट मी टेक दिस ऑक्सीलोस्कोप एंड पुट इट हियर अ लिटिल बिट। ठीक है। तो ये जो है ना ये मेरा कंप्लीट सर्किट हो गया। अब यहाँ पे मैं ऑक्सीलोस्कोप की जो है ना वैल्यू को सेट कर देता हूँ। तो लेट मी टेक दिस जो हमारा 1 मिली सेकेंड है, लेट मी टेक दिस एज अ 10 मिली सेकेंड। ओके, एंड हमारा जो चैनल ए है, चैनल ए को लेट मी टेक दिस एज अ 50 वोल्ट पर डिविज़न, और जो हमारा चैनल बी है, चैनल बी को लेट मी टेक दिस एज अ 5 वोल्ट पर डिविज़न, है ना। एंड लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस, सो आई विल टेक दिस पर्टिकुलर कलर। तो हियर द आउटपुट ऑफ द ऑक्सीलोस्कोप हैज कम, सो लेट मी टेक दिस ऑक्सीलोस्कोप हियर। यहाँ पे मेरा जो इनपुट है, इनपुट का वोल्टेज मैं जो है ना यहाँ पे चेंज करके 230 वोल्ट कर दे रहा हूँ, जो कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है ना परफेक्ट है। एंड लेट मी चेंज द फ्रिक्वेंसी ऑल्सो। सो द फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, तो लेट मी पुट दिस एज अ 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। व्हाट अ 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। तो हम लोगों ने जो है ना ये दोनों को कर दिया, सारे के सारे जो है हमारे कनेक्शन ठीक हैं। लेट मी रीचेक अगेन कि मेरा ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बन गया, ट्रांसफार्मर का ये ग्राउंड है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हम लोगों ने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। एंड देन लेट मी प्ले द
output. So here you are able to see the full wave rectification has come. So let me change the value of this I2. ये हमारा जो 50 डिवीज़न है इसको अगर मैं 100 डिवीज़न कर देता हूँ देन यू आर एबल टू सी मोर एक्यूरेटली. तो अगर हम लोग यहाँ से देखें देन लेट मी रन दिस, तो आपको जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वी विल गॉट द हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफिकेशन. तो ये मेरा फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है. यहाँ पे जब नेगेटिव हाफ है तब भी मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, दैट पॉजिटिव सिग्नल्स आर कमिंग. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये मेरा क्या हो गया, एक सिंपल सा फुल वेव सर्किट हो गया. और इस फुल वेव सर्किट में क्या हो गया कि जो है ना वी आर एबल टू मेक द फुल वेव सर्किट फुल वेव रेक्टिफिकेशन. तो यहाँ पे मेरे को क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है ना मिल रहा है. ओके तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या हो रहा है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा. तो दिस इज़ वॉट अ फुल वेव रेक्टिफायर. तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने देखा दो डायोड को यूज़ करके, दो ट्रांसफार्मर को यूज़ करके, हम लोगों ने दो अलग अलग ट्रांसफार्मर यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर हमारा सिमुलेटर है ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हमको प्रोवाइड नहीं करता, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोगों को सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है. जब तक हमारे पास सेंटर टैप ट्रांसफार्मर नहीं होगा वी आर नॉट एबल टू मेक द फुल वेव रेक्टिफायर. सो दैट्स वाई वी हैव यूजिंग द टू ट्रांसफार्मर, और दोनों ट्रांसफार्मर को मिला के हम लोगों ने क्या किया, एक जो है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बनाने की कोशिश की. सेंटर टैप ट्रांसफार्मर भी जो है ना कुछ इसी तरीके कवर करता है, जो तीन टर्मिनल जो है आउटपुट होते हैं, इनपुट आपका टू टर्मिनल्स होता है. तो हम लोगों ने टू टर्मिनल्स को थ्री टर्मिनल्स में कन्वर्ट करके जो है ना हम लोगों ने क्या किया, एक जो है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बनाया. एंड देन व्हाट वी गॉट अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन. सो दिस इज हाउ यू गॉट द फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिमुलेटर. ओके सो आई होप कि ये वीडियो जो है ना आपको हेल्प करेगा फुल वेव रेक्टिफायर को समझने के लिए. सो लेट मी स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच.